मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे जिला मुख्यालय से 52 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिस कारण यातायात बाधित हो गया है। वहीं ओंकारेश्वर बांध के गेट खुलने के कारण नर्मदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ओंकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। नर्मदा नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से खारगोन कलेक्टर गोपाल जान ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नर्मदा किनारे की तहसीलों में मुनादी फिराते हुए लोगों को सचेत किया कि नर्मदा नदी के किनारे के आसपास नहीं जाएं। कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड ने अनुसार इंदिरा सागर और अंकेश्वर बांध के गेट खोलने के बाद इसका असर खारगोन जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा पट्टी इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नर्मदा के उफान के चलते खारगोन जिले में स्थित खलखाट का पुराना पुल डूबने की कगार पर है। ओंकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसिक तो बैक वाटर को लेकर किस तरह से अलर्ट किया गया पूरे से? नहीं, हमारे यहाँ बैक वाटर की समस्या नहीं है, लेकिन अभी ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट से 10,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया और 2,000 क्यूबिक मीटर पानी ऑलरेडी चल रहा था, तो लगभग 12,000 क्यूबिक मीटर पानी एकाएक बहुत बड़ी मात्रा है पानी की जो आना चालू हो गई है। हमने कसरावत, महेश्वर, बड़वा और सनावत चारों जगह हाई अलर्ट कर दिया। उसके नर्मदा के किनारों पर रहने वाले सभी जनताओं को मैसेज कर दिया है, गांवों में सूचनाएं दे दी है कि नर्मदा की तरफ न जाए कोई भी, और नर्मदा किनारे पर बसने वाले थोड़ा ऊंचाई पर चले जाए। अभी की स्थिति देखते हुए ये है कि हमें 2-3 मीटर पानी अभी तक और आता है, तब तक अभी कोई समस्या नहीं, और इस पानी के छोड़ने के बाद ऐसा संभावना है कि 1-1.5 मीटर पानी और बढ़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।